डियर स्टूडेंट्स, हियर वी हैव चैप्टर नंबर सिक्स. चैप्टर नंबर सिक्स की कुछ एग्जांपल्स आपके पास, आपने नाइन टेंथ में भी यूनियन इंटरसेक्शन का नाम सुना होगा. आपके पास दो सेट्स गिवन है. सेट्स के लिए आपने याद रखना, सेट्स को हमेशा जो है वो कैपिटल लेटर से शो करते हैं. दो सेट्स आपके पास गिवन है, ठीक है. आपने इनका ए यूनियन बी, ठीक है, मतलब इनका यूनियन फाइंड करने के लिए भी आपको कहा जा रहा है और इनका इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए भी कहा जा रहा है. ए की जगह पे ए की वैल्यू, यूनियन का साइन बी की जगह पे बी सेट आपके पास आ जाएगा. यूनियन का मतलब होता है जो दोनों में सेम हो, मतलब दोनों में सेम ना हो. लाइन वाइज आपने देखना होता है. वन है लिख लें, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव, सिक्स, सेवन, एट और नाइन. दोनों में से आपने सीक्वेंस वाइज जो है वो देख के निकालने लेने होते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो आपके पास आ रही हैं. बेसिकली यूनियन के लिए मैं एक टिप भी देती हूँ. यूनियन कहते हैं इत्तेफाक को. तो इत्तेफाक से आपने सारे जो है नंबर्स जो हैं वो कंबाइन करके लिख देने हैं. नेक्स्ट आपके पास है इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन के लिए उल्टा यू यूज़ होता है, ठीक है. इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में मौजूद हो. तो दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है? कोई भी नहीं. तो इसको आप ऐसे जो है वो फाइव सेट की तरह रिप्रेजेंट करेंगे. कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है. नेक्स्ट आपके पास आ रहा है फैक्टोरियल का साइन. सिक्स फैक्टोरियल, देखें सिक्स फैक्टोरियल का मतलब है कि सिक्स, फाइव, फोर, थ्री, टू और वन. आपने बैकवर्ड उसकी मल्टीप्लिकेशन कर देनी है, ठीक है. इसको लेट्स लाइक अगर हम बात करें तो सिक्स फाइव ज़ा थर्टी, ठीक है. इसी तरह सिमिलरली आपने जो बैक बैक कर देना, थर्टी फोर ज़ा वन ट्वेंटी, वन ट्वेंटी थ्री ज़ा एंड देन टू ज़ा एंड देन वन ज़ा. इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है. रिवर्स में आपने सब नंबर्स को जो है आपस में मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास जो है फैक्टोरियल का आंसर आ जाएगा. जैसे कि अगर हम करें फोर फैक्टोरियल, तो फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय वन. फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, ट्वेल्व टू ज़ा ट्वेंटी फोर, और ट्वेंटी फोर वन ज़ा ट्वेंटी फोर. अब नेक्स्ट है परमुटेशन और कम्बिनेशन. परमुटेशन के लिए ये देखें, जो ऊपर वाली चीज़ होगी एन होगी और जो नीचे वाली चीज़ होगी आर होगी. तो मतलब फाइव फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फाइव माइनस थ्री फैक्टोरियल. इसको हम ओपन करते हैं. फाइव मल्टीप्लाई बाय फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय वन. फाइव माइनस थ्री टू फैक्टोरियल, मतलब टू मल्टीप्लाई बाय वन. फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी, ट्वेंटी थ्री ज़ा सिक्सटी, सिक्सटी टू ज़ा वन ट्वेंटी, वन ट्वेंटी डिवाइड बाई टू सिक्सटी आपके पास आ जाएगा. कम्बिनेशन में क्या चेंज होता है? सेम आपके पास चीज़ वही रहती है, ऊपर वाली वैल्यू एंड नीचे वाली आर. मतलब टेन फैक्टोरियल, टेन माइनस सिक्स फैक्टोरियल और इसी तरह सिक्स फैक्टोरियल. टेन फैक्टोरियल टेन मल्टीप्लाई बाय नाइन मल्टीप्लाई बाय एट, सेवन, सिक्स, फाइव, फोर, थ्री, टू और वन. और टेन माइनस सिक्स कितना हो जाएगा? फोर फैक्टोरियल. और इसी तरह सिक्स फैक्टोरियल को भी हम ओपन करके कटिंग कर लेंगे. नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6.6 से 6.12 तक सिमिलर क्वेश्चन है आपके पास. आपके पास कहा जा रहा है एक बैग है जिसमें फोर रेड बॉल्स हैं, सिक्स ग्रीन बॉल्स हैं, ठीक है. और थ्री आपने ड्रॉन करनी है. थ्री बॉल्स आप निकालें, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उसमें से टू रेड निकलाएं, वन ग्रीन निकलाएं? इसके लिए सिंबल आपने जो है वो कॉम्बिनेशन बना लेना अपने पास. कॉम्बिनेशन आपके पास क्या बनेगा बॉल ड्रॉन का? टोटल बॉल्स कितनी थी रेड? फोर. फोर में से अगर वो कहते हैं रेड कितनी निकालनी है? टू. और इसी तरह ग्रीन टोटल कितनी थी? सिक्स. तो सिक्स में से कितनी निकालनी है? वन. टोटल बॉल्स हो कितनी गई? फोर और सिक्स टेन. तो मतलब पावर में टेन और निकालनी कितनी थी? थ्री. इसी तरह रेड के लिए बात करेंगे, सारी रेड निकलेंगी. निकलनी कितनी है टोटल रेड? थ्री. तो सिक्स ग्रीन कितनी निकलेंगी? ज़ीरो. तो सिक्स बाय ज़ीरो. और टोटल कम्बिनेशन आपके पास कितना है? टेन ओवर थ्री. सिंपल कैलकुलेटर पे आप इसको जो है वो सॉल्व करेंगे. कैलकुलेटर पे आप लिखेंगे फोर सी टू, आपके पास आंसर आ जाएगा. इसी तरह सिक्स सी वन का आंसर वन और टेन सी थ्री वन ट्वेंटी, ज़ीरो पॉइंट थर्टी आपके पास आ जाएगा. और ऑल रेड बॉल्स के लिए आपके पास ज़ीरो पॉइंट डबल थ्री. 6.17 क्वेश्चन आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे कहा जा रहा है कि जी आपने इन चीज़ों को सॉल्व करना है. इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है, थ्योरम है, आप उसको याद करेंगे. ये आपके पास किसके इक्वल होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ए की भी वैल्यू आपको दी हुई है ऊपर और बी की भी दी हुई है. दोनों को आपस में आप कर दें मल्टीप्लाई, आपके पास वैल्यू आ जाएगी दैट वन इज 0.12. इस तरह वो कहते हैं पी ए ए डिवाइड बाय बी करें तो उसकी प्रॉपर्टी भी आपके पास यहाँ पर लिखी गई है. प्रॉपर्टीज आपने याद करनी है. बी इंटरसेक्शन ए बी, तो मतलब ये दोबारा ही चीज़ ये वाली बन रही है. तो मतलब ये हमने निकाल ली है ऊपर, सॉल्व कर ली है, आपने दोबारा भी की जा सकती है. इसको डिवाइड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से, मतलब 0.30 से. 0.30 से हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.40. एक और आपके पास क्वेश्चन है. आपके पास कहा जा रहा है ये आपके पास प्रॉपर्टी है, इसको सॉल्व करें. प्रॉपर्टी सॉल्व करने के लिए हम इसको सेपरेट सेपरेट कर देंगे. सेपरेट सेपरेट करने का मतलब होता है ये आपके पास क्या बन जाएगी? वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी.
ठीक है, तो ए यूनियन बी हम जो है वो कैसे निकालते हैं? ए यूनियन बी निकालने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला यूज़ होता है, प्रॉपर्टी यूज़ होती है, वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये देखें, ये एज इट इज़ आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है, 0.40, प्लस करनी है इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज़ 0.30 माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी आपके पास ऊपर हम निकाल चुके हैं जो कि था 0.12। इस सारी को हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके वी गॉट द आंसर 0.42। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स चाहिए अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2021, आप सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में क्या है आप देख सकते हैं, टिप्स एंड ट्रिक फार्मूलाज हैं जो चैप्टर नंबर 1 में यूज होंगे, एमसीक्यूज़ हैं, डेफिनेशंस हैं, एग्जांपल्स हैं, सोल्व एक्सरसाइज हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। मैं आपको दिखा भी देता हूं, चैप्टर नंबर 1 के आपके सामने हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। इसी तरह डेफिनेशंस हैं आपके पास अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2021। इसके बाद इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, गेस्ट पेपर 2021 यानी कि अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2021। चैप्टर नंबर 2 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 2 में टिप्स एंड ट्रिक फार्मूलाज देख सकते हैं, एमसीक्यूज़ हैं आपके पास, डेफिनेशंस हैं, सॉल्व एग्जांपल्स होंगी, एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व होगी, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एमसीक्यूज़ में आपको दिखा देता हूं, एमसीक्यूज़ देख सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। चैप्टर नंबर 3 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 3 में टिप्स एंड ट्रिक फार्मूलाज हैं, चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, 3 डेफिनेशंस हैं, एग्जांपल्स हैं, यानी कि कंप्लीट आपको बुक मिलेगी, एक्सरसाइज 3 है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन। अब मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूं टिप्स एंड ट्रिक, किसी भी चैप्टर को करने का पहला तरीका यह है कि आपको ना यार सबसे पहले इसका पता हो कि इसमें फार्मूले कौन से यूज होने हैं, मीन है, मीडियन है, मोड है, ग्रुप्ड फार्मूला है, अनग्रुप फार्मूला है। सबसे पहले हमने ना कोशिश ये की है कि आपको सबसे पहले टिप्स बताए जाएं, ट्रिक्स बताए जाएं कि कौन से फार्मूले यूज होंगे चैप्टर नंबर 3 में, उसकी कंप्लीट वीडियो अपलोड है। इसके बाद आपके पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे, इसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हमारे पास अवेलेबल है चैप्टर नंबर 3 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, आपको पता है कि इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी हैं स्टैट्स में, और इसके बाद सारी की सारी एक्सरसाइज सोल्व है शॉर्ट क्वेश्चंस की सेंस में, लॉन्ग क्वेश्चंस की सेंस में। इसके बाद आपको गेस्ट पेपर भी मिलेंगे अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2021 की सेंस में, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, डेफिनेशंस हैं इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। नंबर अगर 4 की बात करें तो चैप्टर नंबर 4 में टिप्स एंड ट्रिक्स फार्मूला जो भी मैंने आपको दिखाए हैं, आपको पता है कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले स्टैट्स में आपको पता होना चाहिए कि कौन से फार्मूले यूज करने हैं, अदरवाइज आपको चैप्टर नहीं आएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक फार्मूलाज हो गए जो आपके लिए चैप्टर के लिए बहुत जरूरी होंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, डेफिनेशंस हैं, एग्जांपल्स हैं, एक्सरसाइज हमारे पास सारी की सारी सोल्व है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। हमारे पास कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स अवेलेबल है चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक। नो एकेडमी नो स्टैट्स ट्यूटर प्रिपेयर विद अस, यू कैन गेन 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन स्टैट्स। आपको पता है जो स्टैट्स का पेपर होगा वो होगा 85 मार्क्स का, और 15 मार्क्स का आपको आएगा प्रैक्टिकल पोर्शन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में। फर्स्ट ईयर स्टैट्स कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स इज ओनली 500 रुपीज। जी हाँ, सिर्फ 500 रुपीज में आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स मिलेगा अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2021 की सेंस में। अभी इस नंबर पर 03-23-45-16-277 पर जैस कैश या इजी पैसा करवाएं और व्हाट्सएप पर फ्री लिंक हासिल करें, शुक्रिया। जो हम आपको पूरी बुक का लिंक प्रोवाइड करेंगे, इस पूरी बुक के किसी भी सवाल का कोई भी पार्ट मिस नहीं होगा, आपको मिलेंगी डेफिनेशंस, एक्सरसाइज, एग्जांपल्स, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़।